Audio Jungle. स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट वेलफेयर चैरिटी ट्रस्ट की ओर से आज गरीब और बेसहारा बच्चियों को छात्रवृत्ति वितरण की गई। स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट हर रविवार को जोधपुर शहर के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के अध्ययनरत जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति देता है, जिसमें शहर की गरीब और बेसहारा बच्चियाँ जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, उन बच्चियों को स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट स्कॉलरशिप देता है। आपको बता दें कि आध्यात्मिक आत्मयोगी नंद किशोर शारदा द्वारा स्थापित स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट वेलफेयर चैरिटी ट्रस्ट जोधपुर गत 22 वर्षों से बालिका शिक्षा एवं संस्कार या नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है। इस ट्रस्ट के माध्यम से अब तक 26,000 बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी है और करीब 2 करोड़ से ज्यादा राशि की छात्रवृत्ति वितरण की जा चुकी है। लेकर आऊं तो क्या नहीं, मैं खुद कमा कर दूसरों को खेलो। तो उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, पर खोज करते रहे, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट लड़कियों को पढ़ाता है और आज अभी तक हमने 25,000 से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ा दिया है। 2 करोड़ 30 लाख की स्कॉलरशिप अब तक हम बांट चुके हैं। स्कॉलरशिप के साथ साथ हम संस्कार भी देते हैं, तो क्योंकि आज के जनरेशन में संस्कार की बहुत कमी है, ना माँ बाप के पास टाइम है, माता पिता के पास टाइम है, ना बच्चों के पास, क्योंकि पढ़ाई में पूरे लीन रहते हैं, तो इसलिए संस्कार की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ संस्कार केंद्र भी लगते हैं और लड़कियाँ बहुत संस्कारित हुई है। आगे उनको जाके लाइफ में पढ़ाई के साथ और अपने संबंधों को किस तरह से अपने गृह जीवन में कैसे रहना है, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है। और हमारा ट्रस्ट संस्कार के साथ और फाइनेंशियल हेल्प भी देता है और मेंटल और जो मोटिवेशन जो ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। जिनके पास फाइनेंशियल हेल्प, मतलब जिनका फाइनेंस नहीं, जिनके पास फाइनेंस नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, क्योंकि उनके, तो हमारे यहाँ पे मोटिवेशन भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं और फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं। तो सब एक हमारा ट्रस्ट सब कुछ करता है। किरण प्रजापत हैं, मैं इस ट्रस्ट से 5 साल हो गए जुड़े हुए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं 3 वर्ष की थी, तो मैं 12 के बाद पढ़ाई छूट गई थी। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आपकी कोई हेल्प करना चाहता है। मुझे लगा था इस जनरेशन में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि मेरी यहाँ हेल्प हो सकती है। तब से मैं 5 साल हो गए मुझे यहाँ जुड़े हुए। यहाँ की पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की जो वाकई में बहुत लड़कियों को ज़रूरत होती है, क्योंकि पढ़ाई के बाद एक लड़के में ईगो की भावना आ जाती है, वो घर में एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाती। तो हमें यहाँ मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, संस्कार मिलते हैं और स्कॉलरशिप तो मिलती ही है, और लड़कियों की खूब हेल्प होती है और लड़कियों को आगे बढ़ाने की यहाँ पे जो सोच है वो बहुत अच्छी है। और ये हमारा ट्रस्ट एक कौमी एकता का प्रतीक है। यहाँ पे कोई कास्ट का भेदभाव नहीं है कि इस कास्ट को बढ़ाया जाए या इस कास्ट को बढ़ाया जाए, ये कौमी एकता का प्रतीक है। और जो लड़कियों में जो संस्कारों की जो क्लासें लगती हैं वो शायद इस दुनिया में कहीं नहीं लगती होगी। तो मैं इस ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।